नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आजकल कर्म और धर्म के बीच की ट्वीट काफ़ी सारी दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी की तरफ से हो रही है। राहुल गांधी का बोलना है कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा मिस्टर मोदी जी। तो मैं सच में बोलना चाहती हूँ कि वैसे तो तुम गधे हो, लेकिन ये तुम्हारी बात सही है कि इट्स ऑल अबाउट कर्मा राहुल। अगर कर्मों की अगर बात करें तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक प्रधानमंत्री की जो गरिमा होती है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक एग्जाम्पल होती है। और तुम्हारा बाप प्रधानमंत्री होने के नाते इटली जाकर अगर कचरा ही उठा कर लाया तो वो उसके कर्मों का नतीजा ही है। तुम जैसी निकम्मी औलादे पैदा करना जिसकी वैल्यू आज 50 साल के बाद भी शून्य है, तो वो भी उसके खराब कर्मों के नतीजे ही है। रही दिग्विजय सिंह की बात, तो मैं उसको भी बोलना चाहती हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, आप अगर अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, बदनसीबी से आप जहाँ पैदा हो चुके हो ऑलरेडी, तो अगर आपके माँ बाप ने आपको घटिया संस्कार नहीं दिए थे फिर भी आप काम तो चप्पल चाटने का ही कर रहे हैं, तो इसको भी खराब कर्म ही बोलते हैं। आप अपने से छोटी 27 साल छोटी लड़की से आपने शादी करी जिससे आपका बेटा काफ़ी खुश नज़र आता है, और शायद कल को उठ के अगर आप ना रहे तो वो आपके बेटे के बहुत काम आएगी। मैं तो एज अ मदर बोल रही हूँ, आप अगर कुछ और समझ रहे हैं तो वो आपका लुकआउट है। खराब कर्मों की अगर बात करें तो SPG सुरक्षा इतने सालों से महारानी बनी बैठी थी, जो आज भिखारी बन गई है कांग्रेस की अध्यक्षा, जिसकी SPG सुरक्षा भी हटा ली गई है, उसको खराब कर्म बोलते हैं। राहुल, तेरी बहन जिसको लात मार के तेरे चोर जीजा जी को घर से बाहर निकाला गया उसको खराब कर्म बोलते हैं। राहुल गांधी, आज 50 साल का होने के बावजूद तू खुद अपनी जगह नहीं बना पाया और तू शून्य है। तेरी इज्जत इस देश में सिर्फ पागलों में की जा रही है, इसको खराब कर्म बोलते हैं। और अब कर्मों के अच्छे फल की भी हम बात करेंगे। एक सामान्य कार सेवक जिसने RSS की शाखाओं में झाड़ू तक लगाया है, जिसने चाय तक बेची है, वो आज पूरे देश का एक रिस्पेक्टेड बंदा है। वो है नरेंद्र मोदी, इसको अच्छे कर्म बोलते हैं। जिसने राम मंदिर का शिलान्यास किया उसको अच्छे कर्म बोलते हैं। जिस अमित शाह को तुम्हारी पार्टी ने यूं कॉलर पकड़कर CBI के बीच में डाल दिया था, आज अमित शाह के नाम से तुम्हारे पूरे पार्टी की पैंट गीली हो जाती है, ये होते हैं अच्छे कर्म। खराब कर्म वाले हैं ना, बम से फटके मरते जैसे तेरी दादी और तेरा बाप मरे थे। जिसकी हड्डियाँ कहाँ पड़ी थी वो खुद तुम लोग पता नहीं लगा पाए। खैर, सिखों का जो नरसंहार किया था उसका हिसाब तो भगवान को लेना ही था, इसी वजह से तेरी दादी और तेरे बाप को ऐसी मौत मिली थी। तो कर्मों का अगर हिसाब लगाएगा ना, तो सबसे खराब कर्म तो ये होते हैं जब औरत अपने पति की सरनेम ना लगा सके और उधार की सरनेम पर अपनी जिंदगियां गुजार दे, ठीक है, तो इसको खराब कर्म बोलते हैं। इज्जतदार लोगों के जो परिवार होते हैं ना, वो तुम्हारी माँ को घर में ना अच्छे काम के लिए शगुन में भी ना बुलाए, इसको खराब कर्म बोलते हैं। तो कभी बैठना सोचना ये सब चीज़ें। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरा भारत महान।